नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष इंद्रेश चौहान का जोरदार स्वागत सोमवार को कुंवर सिंह उद्यान में समर्थकों द्वारा किया गया। अपने स्वागत से अभिभूत पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष इंद्रेश चौहान ने कहा कि भाजपा पिछड़ों की जीत ऐसी है, पिछड़ों के उत्थान के लिए जिस तरह से मोदी व योगी सरकार ने कार्य किया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आगामी 2022 के चुनाव में जनपद की सभी सीटों पर कमल खिलाकर पार्टी को मजबूत बनाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएं और पिछड़ा समाज को एकजुट कर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की अलख जगाएं। राजेश विश्वकर्मा ने कहा कि इंद्रेश चौहान को पिछड़ों की कमान मिलने से पिछड़ा समाज में हर्ष व्याप्त है, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व के हम सभी आभारी रहेंगे। परिचय दीजिए। इंद्रेश चौहान, ग्राम कुरवा, सठिया मंडल है हमारा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा से पार्टी ने हमको जिला अध्यक्ष बनाया है। तो आज ये किस उपलक्ष्य में स्वागत सम्मान समारोह रखा गया है? ये तो स्वागत समारोह इसीलिए रखा गया है ये कि यहाँ पे हमारे भाई बहन जितने थे पिछड़ा वर्ग के लोग थे, इसमें शर्मा समाज से हैं, चौधरी समाज से और चौहान समाज, यादव समाज, सारे समाज में खुशी है कि योगी जी ने माननीय योगी जी ने हमको ये पद दिया है पिछड़ों को जोड़ने के लिए। तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या काम करेंगे पिछड़ों के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा हम पिछड़ों को जोड़ेंगे और पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, उनके हित की और उनके दुख दर्द की बात हम ऊपर उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम पार्टी में इनको जोड़ेंगे और पार्टी से विशेष करके इनको योगदान दिलाएंगे। काफ़ी दिनों से पिछड़ों की मांग हो रही है कि हमें अनुसूचित जात में शामिल किया जाए, 17 पिछड़ी वर्ग जो जातियाँ, उनके लिए आपका कोई क्या कहना चाहेंगे? उसकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके उनके हक की जो है उसकी आवाज़ उठाई जाएगी। जैसे गौर समाज है, अनुसूचित जनजाति के लिए वो मांग कर रहे हैं, उसमें उनकी मांग काफ़ी हद तक पूरी भी हो गई है, तो जो जिनकी लड़ाई है उचित है उसकी लड़ाई हम। साथियों, मेरा नाम राजेश विश्वकर्मा है। मैं इस समय लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ के भाजपा का सदस्यता ग्रहण कर लिया हूँ, भाजपा के लिए काम भी कर रहा हूँ। आज यहाँ एक चौहान सभा के कार्यक्रम, शोक सभा का कार्यक्रम था, उसमें हम लोग सभी लोग उपस्थित भी हुए और शोक सभा भी मनाए। ऐसे ही साथ अति पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष होने पर इंद्रेश चौहान जी को हम अपने विश्वकर्मा समाज की तरफ से भी बधाई देते हैं और पिछड़ी जाति के सभी के तरफ से बधाई देते हैं बहुत बहुत, योगी जी को भी और मोदी जी को भी, कि अभी केंद्र में मेडिकल लाइन में भी जो हम लोगों को OBC को आरक्षण नहीं मिलता था उसके लिए भी मोदी जी ने किया और उत्तर प्रदेश में भी लग रहा है कि जल्द से जल्द हम लोगों का आरक्षण की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। ऐसे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।